दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों आज भाग्य आपके पक्ष में है, धन लाभ के नए मार्ग आपके जीवन में आज बनेंगे, लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता आज समाप्त होगी जिससे मानसिक शांति रहेगी, आर्थिक मामले में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय भी आज आपके सफल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें आज कोई आपका सपना साकार होने से मानसिक रूप से आपको सुकून मिलेगा, समय बहुत ही आज का आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका भरपूर सहयोग करें। अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही आज उचित है, आपको बता दें। साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से उत्साह और अधिक बढ़ेगा जिससे दिन भर की थकान को भी आप भूल जाएंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम आज संभावना है। साथ ही साथ आपको बता दें आज अचानक से कोई मुसीबत व समस्या भी खड़ी हो सकती है, परंतु समझबूझ और सावधानी से आप इससे भी उबर जाएंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मान हानि का कारण बन सकता है। साथ ही साथ सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं, कुछ समय प्रकृति के साथ वे मेडिटेशन में व्यतीत करना आपको सुकून देगा। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह का कोई भी समझौता आप ना करें, वाहन या घर की मरम्मत संबंधी कार्यों में अत्यधिक व्यय की वजह से थोड़ा बजट भी बिगड़ सकता है। अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखने में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको बता दें आपका आज अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रति विशेष ध्यान रहेगा, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के बाद लाभदायक योजनाएं भी बनेंगी। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से संबंध और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही साथ जमीन जायदाद और निवेश जैसी गतिविधियों में आज व्यस्तता भी बनी रहेगी। उत्तम समाचार की भी आज आपको प्राप्ति होगी, आप प्रत्येक कार्य में रुचि लेकर अपनी क्षमताओं के अनुसार आज सभी कामों को अंजाम देंगे। कुल मिलाकर आज का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें करियर और व्यक्तिगत कार्यों में अपने अहम को आड़े ना आने दें, अन्यथा बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। बहुत अधिक जल्दबाजी व उत्तेजना की वजह से किसी के साथ संबंधों में भी खटास आ सकती है, परंतु अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज आप ना करें। छोटी सी बात पर किसी से कहा सुनी व बोल चाल हो सकती है, इसलिए अपने स्वभाव को संयमित रखना आपके लिए आवश्यक है। बच्चों की परेशानियों के निवारण के लिए कुछ समय उनके साथ व्यतीत करना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें आज आप भावनात्मक रूप से सशक्त भी रहेंगे, ज्ञानवर्धक तथा रोचक कार्यों में समय व्यतीत होगा,
परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी आज प्रोग्राम बनेगा। आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक रूप से आज परिवर्तन महसूस करेंगे। परंतु आपको बता दें, काम की आज अधिकता भी रह सकती है। मेहनत के अपेक्षा परिणाम आपको कम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग, सोचने समझने में बहुत अधिक समय लगाने से हाथ से आई कोई उपलब्धि भी खो सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो दोस्तों बता दें, पारिवारिक वातावरण आज खुशनुमा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन व आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। परिवार के साथ सुख सुविधा संबंधी चीजों की शॉपिंग करने में भी समय व्यतीत होगा, परंतु विवाहोत्तर संबंधों का दुष्प्रभाव परिवार पर भी पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ कुछ तकरार की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, परंतु सहज तरीके से आपस में बैठकर मामला सुलझाने से संबंध पुनः मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ बात करें आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, कार्य क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। कर्मचारियों की वजह से कुछ मानसिक तनाव रहेगा। नौकरी में आपसी मतभेद वे गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि आप अपने बलबूते पर स्थितियों को संभाल भी लेंगे। साथ ही साथ व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण डील आज हो सकती है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में नुकसान होने की भी संभावना बन सकती है। बेहतर होगा कि इन सब को स्थगित ही रखें। नौकरी पेशा लोगों की अधिकारी वर्ग से मित्रता लाभप्रद रहेगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का स्थान या फिर कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता है। आलस को अपने ऊपर आप आज भूल कर भी हावी ना होने दें। ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से बेहतरीन सफलता आज आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज मुलाकात आपके व्यवसाय में सहायक सिद्ध होगी। अगर किसी नए काम की शुरुआत आप करना चाह रहे हैं, तो आज का समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। बस आप शुरुआत कर दें, लाभ मिलेगा, परंतु अभी आय आपकी सामान्य ही रहेगी। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ आपको अपनी मेहनत के अनुरूप कुछ मामलों में उचित फल प्राप्त भी होंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबदबा बना रहेगा। कारोबारी स्त्रियां विशेषता अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। उनके लिए इस समय लाभदायक ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसादन संबंधी व्यवसाय विशेष रूप से आज तरक्की में रहेंगे। नौकरी में आपको कोई महत्वपूर्ण पद की भी प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको खुशी का अनुभव होगा और आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ बात करें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य आज कुछ ढीला रहेगा। नकारात्मक विचारों की वजह से आत्मबल में आपको कमी महसूस हो सकती है। मौसमी बीमारियां जैसे खांसी, जुखाम आदि परेशान आपको कर सकती हैं। इसलिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक आप सेवन करें, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक रहने वाला है 8 और भाग्यशाली रंग रहने वाला है बैंगनी और केसरी। दोस्तों, साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, किन किन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, आपको अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए पीले फूल जरूर दें अपने प्रेमी या प्रेमिका को, तो दोस्तों इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ बता दें, यदि आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें, आप ध्यान रखें कि जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले आप पैर जरूर धोएं। यदि ऐसा संभव ना हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि जूते या चप्पल पहनकर आपको भोजन नहीं करना। स्थिति कैसी हो, जूते उतार दें, साइड रख दें या चप्पल साइड में रख दें, उतार दें,
पहनकर इनको भोजन ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं, बिना चप्पल बिना जूते के भोजन करते हैं, तो दोस्तों कभी भी आपको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें इस बात को। और साथ ही साथ क्या करें, आप संभव हो सके तो आज लाल चूड़ियां वे लाल वस्त्र कन्याओं को दान देने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, पारिवारिक जीवन में मधुरता आती है और नौकरी और रोजगार प्राप्ति में भी यह उपाय लाभ देता है, जीवन से परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी उपाय कर लें, आपको लाभ मिलेगा। या दोस्तों अब बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका भाग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भाग्य का पूरे 91% साथ मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।